ধর্মপ্রেমী সজ্জন তথা বিশ্ববাসী মে কই দিন সে আপনার সত্যার প্রকাশ কাজ 14 উল্লাস যে ঋষি বরদেব দয়ানন্দ সমীক্ষা কে সাথ লিখা হুরআন কে সন্দর্ভে মানে 3 দিন আপনার সুনা চুকা হুম 8 প্রশ্ন তক মানে আপনার সনায়া হুম আজ নবা প্রশ্ন সামনে রাখ রা হুম মঞ্জিল 1 সিপারা 1 সূরত 2 আয়াত নম্বর 25 কী চর্চা ঋষি নে ইহাঁ বতায়া গিয়া হ্যাঁ আনন্দ কাজ সন্দেশ দে কে উন লোগো কো কে ঈমান লায়ে ওর কাম কিয়ে আচ্ছে কি উনকে বাস্তে বহিশতে হ্যাঁ জিনকে নিচে চলতি হ্যাঁ নহরে জব উসমে সে মেওয়া কে ভোজন দিয়ে যায়েঙ্গে তব কহেঙ্গে কি ইহ তো বস্তু হ্যাঁ জো হাম পহলে ভি দিয়ে গে থে আর উনকে লিয়ে পবিত্র বিবিয়া সদেব ওহাঁ রহনে বালি হ্যাঁ ইহাঁ কুরআন মে শব্দ আয়া হ্যায় وَبَشِّرِ আমনু وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جس کا بشارت ہے ان کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بشارت ہے ان کے لیے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کیا یہاں ایمان لانے والے کیول نیک عمل کرنے والے ہی بہشت میں نہیں جائیں گے یہاں پر آمنو شبد آیا ہے تو ان کے لیے یہ بتایا ہے جنت میں ان کو کیا کیا دیا جائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں پر کھانے کے لیے پھل ملے گا پھل ایک جیسا ہوگا لیکن سب کا ٹیسٹ سب کا سواد ذائقہ الگ الگ ہوگا अभी खा करके दूसरा लाया जाएगा तो कहेंगे अभी खाया था कहेंगे इसको भी खा करके को देखो इसका स्वाद अलग है। और वहाँ पर बीवियाँ हैं मिलती जुलती सूरतें हैं और मिला बहश्त में अनेक लिए साफ सुथरी बीवियाँ होंगी और उन लोगों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। ऋषि देव दयानंद यहाँ समीक्षा में लिख रहे हैं भला यह कुरान का बहिष्ट संसार के कौन सी उत्तम बात वाला है क्योंकि जो पदार्थ संसार में है वही मुसलमानों के स्वर्ग में भी है और इतना विशेष है कि वहाँ जैसे पुरुष जन्म लेते हैं मरते हैं आते हैं और जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किंतु वहाँ की स्त्रियाँ सदा नहीं रहती और वहाँ बीवियाँ अर्थात उत्तम स्त्रियाँ सदाकाल रहती हैं तो जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन बीवियों का दिन कैसे कटेंगे भला। हाँ जो खुदा की उन पर कृपा होगी और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है क्योंकि ये मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलीय गोसाइयों के गोकुल और मंदिर जैसे सदृश दिखता है क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ का मान बहुत पुरुषों का नहीं वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियाँ का मान अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिष्ट में सदा रखा है और पुरुषों को नहीं। ये बीवियाँ बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकती होंगी जो वह ये ऐसी बातें हैं तो खुदा स्त्रियों में फंस जाए यानी जो स्त्रियाँ वहाँ हैं जो
साफ सुथरी बीवियां बताई गई हैं, जो हूर जिनको कहा गया है वो सदा सर्वदा के लिए है। तो पुरुष वहाँ नहीं है, अब वो स्त्रियाँ अल्लाह के सानिध्य में रहती हैं, यही ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं। तो अल्लाह उनके सानिध्य में है या उन अल्लाह के सानिध्य में वो हैं, और वो भी वहाँ जैसी हैं साफ सुथरी हैं। अब किस तरीके से साफ सुथरी हैं, क्या हैं, वो तो विचारणीय बात है। ऋषि व देव दयानंद इसीलिए टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा कि गोसाइयों के गोकुल में जिस तरीके से है वो पौराणिक गाथा, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी पुराण जैसी गाथा कुरान में भी मिलता है। इस प्रकार ऋषि व देव दयानंद ने समीक्षा में टिप्पणी करते हुए यही बताया है। आज ये नवा पाठ का आप लोगों को पढ़ करके सुनाया, और कल 10-10 बार प्रश्न रखेंगे आगे क्या बताया है ऋषि ने। तो इसी प्रकार से मत मजहब वालों की किताब में जो ईश्वरीय ज्ञान लोग कह रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान में इस प्रकार की बातें हों कि जहाँ पर ये साफ सुथरी बीवी देने की चर्चा हो, साफ सुथरी बीवी देने का लोभ और लालच हो जन्नत में जाने वालों के लिए, और वो भी ईमान लाने पर ही जन्नत में जाएंगे। अगर वो इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, तो वो जन्नत के हकदार नहीं है। इसलिए मैं पिछले दिन बोला था कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी जो कश्मीर में जो बाढ़ आया था, उन्हें अपने खेवैया के रूप में जो उन लोगों को बचाने का काम किया, क्या मोदी का ये काम नेक काम नहीं है? लेकिन मोदी जितने भी नेक काम क्यों ना करे, पर अल्लाह के नज़दीक उसे नेकी नहीं कहा जाएगा। अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं कराएंगे। यहाँ पर शर्त है वबशरिल्लज़ीना आमनू, बशारत है ईमान लाने वालों के लिए, औरों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से पक्षपात से भरा हुआ है। किस प्रकार है वो मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों को दिया हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।